हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों को जो मैथ्स के वीडियोस हम लोग करा रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 14 अनुपात और समानुपात से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, इस चैप्टर से जरूर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 out of 100 मार्क्स लाकर सिलेक्शन लेना है, वह चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में देखने को मिल रहा होगा, तो तुरंत उसे टच कीजिए और उसके बाद बेल आइकन में ऑल वाले पर जरूर प्रेस कर लीजिए। और साथ ही यदि आप लोगों को इन दोनों ही बुक्स का, जो कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक और अरिहंत प्रकाशन की बुक, दोनों ही 2023 के न्यू एडिशन है जिनका फुल सॉल्यूशन हमने आप लोगों को करवा दिया है, तो आप लोग इनके वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। बच्चों, तो चलिए करते हैं शुरू आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है इसे ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों, क्या बोला, लड़कों और लड़कियों में 5:3 का अनुपात है, कक्षा में कुल 24 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब अच्छे से समझना है आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को करा कैसे जाता है। अब क्या ध्यान दीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको इजी लगेगा। लड़के, ये हमने लिख लिया लड़का और लड़की, ठीक है। अब यहां पर लड़का और लड़की हमने लिख लिए, रेशो क्या दिया है तो देखेंगे 5:3। अब जब भी ऐसे अनुपात आते हैं तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बच्चों इसके साथ मानना x, क्या मानना, x मान लेना। चलो इतना मान लिया आपने। अब आगे क्या कहा है, उस कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, 24। लड़कियां कितनी है तो 24, तो देखिए लड़कियां कितनी है, 24 है। अब ये भी लड़की, ये भी लड़की, दोनों लड़कियां हैं, अनुपात में लड़की कितनी है, 3x है, और संख्या में कितनी है, 24। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों लड़की को बराबर रख देंगे, इधर भी गर्ल्स इधर भी गर्ल्स, लड़की का रेशो ये देखो, रेशो है ना, एक बार क्या है बच्चों, यहां पर मैं बताता हूं, एक बार क्या है, गर्ल्स रेशो में दी है 3x, और एक बार गर्ल्स काय में दी है, बराबर रखेंगे 24 नंबर में दी है, तो है तो गर्ल्स ना, कक्षा में रेशो में इस अनुपात में गर्ल्स है और नंबर में इतनी है। तो देखिए x की वैल्यू क्या निकल रही है, यहां से निकालते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो x बराबर ये 3 मल्टीप्लाई में, तो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो 3 बन जाए 3, 3 8 जा 24। x की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो आप कहेंगे सर जी 8 निकल कर आई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, x बराबर से 8 निकला है, लड़के कितने हैं, 5x है, तो देखिए 5x है, 5x, x की वैल्यू 8, तो 5 8 40, 5 8 जा 40, तो लड़के कितने हो गए बच्चों, 40 हो गए। करेक्ट आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन बहुत इजी था, बिना सॉल्व करे भी बन जाता। यहां से हम लोग रेशियो देखते हैं, लड़कियां और लड़की, यहां पर 3 यहां पर 24, तो 3 के बराबर 24, तो 1 के बराबर 8, अब 1 के बराबर 8 तो 5 के बराबर 40, तो लड़कों की संख्या कितनी निकलती है, 40 निकलती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया इसे ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर हमें दिया है, मयंक प्रति माह 2600 रुपए कमाता है, एक महीने में कितने रुपए, 2600 रुपए कमाता है, और 2000 रुपए खर्च कर देता है, तो उसकी आमदनी और खर्च में अनुपात बताइए, बताइए इनकम और उसका जो खर्च है उसमें आपको अनुपात बताना है। तो देखिए बच्चों, आय और काय का अनुपात बताना है, खर्च का अनुपात बताना है, आय और खर्च का अनुपात बताना है। अब आय का मतलब उसने जितना कमाया, कमाया कितना, तो हमने लिख लिया कि उसने 2600 रुपीज कमाए। अब उसने खर्च कितना किया, तो हम कहेंगे कि 2000 रुपीज उसने क्या किए, खर्च किए, ये लिख लिया हमने कि इतने उसने खर्च किए। अब इनमें रेशियो बताना है, अनुपात बताना है, तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, 2nd 0 से 2nd 0 कैंसिल, क्या बचा बच्चों, तो 26:20 बचा, फिर 2 से काटते हैं तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, यहां काटेंगे 2 बन जा 2, 0 का 0, तो करेक्ट आंसर देखिए क्या निकल कर आया, 13:10, क्या निकल कर आया, 13:10, किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2nd में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2nd इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए आप लोग,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं क्या दिया है। तो यहां पर आप लोगों को दिया है बच्चों 64 और 225 के बीच मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी। क्या बोला? मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी। सेंटर का नंबर अब आप लोगों से पूछा गया है, सेंटर का नंबर अब आप लोगों से पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन जब भी करना होता है, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बच्चों ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू कितनी, सर जी समझ में नहीं आ रहा। अब मध्यानुपाति ज्ञात करना है बच्चों, तो मध्य वाले को, सेंटर वाले को आपको क्या मानना होगा, एक्स। देखिए आप ऐसा मैं समझा देता हूं, जैसे एक अनुपात एक्स अनुपात तीन, या दो भी मान लेते हैं, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। देखिए अब हमने तीन रेशो लिए जिसमें मध्यानुपाति ज्ञात करना है, तो मध्यानुपाति हमें पता नहीं है, वो मान लिया हमने एक्स। तो अब पहली दो संख्याओं में क्या अनुपात होगा, वन रेशो का एक्स के साथ। दूसरी पीछे की दो संख्याओं में क्या अनुपात होगा, तो वो होगा एक्स अनुपात दो। मतलब ये जो बीच में यहां समानुपात लगा देते हैं, तो बीच में ये एक्स क्या है बच्चों, दो जगह आ रहा है। बीच में एक्स क्या आ रहा है, दो जगह आ रहा है मध्य अनुपाति में। तो बहुत शानदार, समझ गए आप लोग। देखिए अब बीच वाले को एक्स मानना है, तो यहां पर आ जाएगा एक्स समानुपात, यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स। क्योंकि बीच वाला क्या है हमें पता नहीं, अभी जैसे आपको समझाया मैंने। अभी जो 64 है ये किसकी वैल्यू है, तो ये है ए की, और डी की वैल्यू कितनी है 225। समझ में आ गया। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, तो अभी मैंने आपको सिखाया अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई। लिखते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स बराबर में क्या है बच्चों, 64 मल्टीप्लाई 225। एक्स एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर जी एक्स एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या 64 मल्टीप्लाई 225। इसे ऐसा ही लिखा रहने के, अब एक्स का जब स्क्वायर हटेगा बच्चों, तो सामने वाले नंबर पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। सामने वाले नंबर पर क्या आ जाएगा बच्चों, रूट आ जाएगा। अब देखिए क्या आप लोगों ने स्क्वायर्स याद करके रखे हैं, अगर स्क्वायर याद रखे हैं तो स्क्वायर रूट आसानी से निकाला जा सकता है, नहीं याद किए तो आपकी गलती है, मैंने आपको याद कराए थे। 64 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे कि सर जी 8 मल्टीप्लाई 8, मतलब कि 8 का स्क्वायर होता है, तो इसे बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा मल्टीप्लाई 225 को जब हम बाहर निकालेंगे तो आएगा 5। तो एक्स की वैल्यू क्या आई बच्चों, 50 रेट 120। तो जो इन नंबर्स का मध्यानुपाती है वह क्या है बताइए, तो आप कहेंगे कि सर जी देखते हैं हम लोग किस ऑप्शन में दिया है 120, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया है 120 वही इसका क्या है, मध्य अनुपाती है। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से किया जाता है, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, सब कुछ इससे होता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है 50, 100, x और 150 का एक समानुपाती है, तो x का मान निकालिए। अनुपात समानुपात की बात जब भी की जाएगी आप लोग कैसे हल करेंगे, अभी मैंने आपको बताया a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये हमने मान रख दिया। अब मान रखते हैं तो a की वैल्यू कितनी बच्चों 50, b की वैल्यू कितनी 100, c की वैल्यू कितनी समानुपात का चिन्ह, c की वैल्यू x दी है, और d की वैल्यू कितनी 150। अब क्या करते हैं, अंदर अंदर वाले नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई इसे करेंगे, तो देखिए क्या होगा 100 मल्टीप्लाई एक्स और बराबर में बाहर वाले नंबर का 150 मल्टीप्लाई 50, बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लिए। यह समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें, तो आप देखिए एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में इसे बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे, तो ये कहां जाएगा डिवाइड में, एक्स बराबर यहां बचा 150 मल्टीप्लाई 50, डिवाइड में क्या आ गया मल्टीप्लाई वाला 100 यहां पर आ गया बच्चों। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, या सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल, एक्स बराबर क्या बचा तो 15 मल्टीप्लाई 5 बचा, तो 15 5 कितना होता है बताइए जल्दी से, तो आप कहेंगे सर जी 15 5 होता है 75। एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई बताइए, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 75 क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत बुरी बात हो जाएगी नहीं तो समझ लीजिए।
ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, अगर आप नवोदय में पास होना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में दिया है आपको ए अनुपात बी का अनुपात, फिर बी अनुपात सी का अनुपात, पूछा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत सरल तरीका है, आपको अभी समझा देता हूं। ए अनुपात बी का अनुपात यह आपको दिया है बच्चों 6:7, ठीक है, और बी अनुपात सी का अनुपात आपको दिया है 3:4। अब यहां पर आप देखिए ये जो बी है यह दो जगह देखने को मिल रहा है, बी दो जगह देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए अब ऐसा नहीं समझ में आएगा, मैं सीधा समझाता हूं कैसे करते हैं। अब यहां से आप लोग देखेंगे तो देखिए यहां से आपको समझ में आएगा, इसे देखते हैं। ए अनुपात बी लिखा है, अब नीचे हमने लिख लिया बी अनुपात सी, ठीक है, तो बी क्या है, बी अनुपात सी देखिए 3:4 यह लिखा है, यह हमने थोड़ा दूर लिख लिया। देखिए ए अनुपात बी और बी अनुपात सी एक साथ लिख लिया, अब इसको हटाते हैं, आपको समझा दिया। पहला क्या था, ए अनुपात बी दिया था तो यह हमने ए अनुपात बी लिख लिया, फिर बी अनुपात सी दिया है तो उसे भी बी अनुपात सी लिख लिया, एक के नीचे एक। अब एक के नीचे एक क्यों लिखे हैं गुरुजी, तो देखिए बेटा क्यों लिखे हैं, इस नंबर का देखिए इनका अगर आप निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है हमें, तो ए का वैल्यू जब निकालना है तो लेफ्ट वाले नंबर का आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या करना है लेफ्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई। तो देखिए 6 × 3 कितना हो जाएगा 18, 6 × 3 कितना 6 × 3 = 18, यह हमने डायरेक्ट लिखा। बी की वैल्यू निकालना है तो जहां बी लिखा था देखिए जैसे पहले ए अनुपात बी यहां लिखा था, फिर बी अनुपात सी यहां लिखा था, ठीक है, यही है ना, ए अनुपात बी मतलब 6:7 और बी अनुपात सी मतलब 3:4 लिखा है। अब ए की वैल्यू निकालना है तो लेफ्ट लेफ्ट वालों का गुणा कर दिए, बी की वैल्यू निकालना है तो बी और बी वालों का, जैसे यहां बी और यहां बी, फर्स्ट और यहां बी और बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 7 = 21। अब सी की वैल्यू निकालना है बच्चों तो राइट साइड वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 × 4 = 28। समझ में आ गया ए बी सी का रेशियो कैसे निकलेगा, 18:21:28 निकल गया। कैसे निकला, ए अनुपात बी 6:7 वैसा का वैसे लिखे, फिर बी अनुपात सी यहां भी अनुपात लगा देता हूं 3:4 वैसा का वैसा लिखे। ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए का रेशियो निकालना है तो लेफ्ट लेफ्ट वाले नंबर का कर दीजिए मल्टीप्लाई, आ गया। फिर बी और जब बी की वैल्यू निकालना है तो बी वाली पोजीशन पर, इधर बी यहां है इधर बी यहां है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी 7 × 3 = 21 बी की वैल्यू निकल गई, फिर राइट साइड वाले का 7 × 4 = 28 सी की वैल्यू निकल गई। समझ में आया आंसर क्या आया, तो देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये वाला मान हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया बच्चों, 7:3 रेशो दिया है, 7:3 का इनका जो योग है बच्चों, योग टोटल सम ऑफ नंबर, तो वो है 630। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, आप दो तो संख्या है इसमें क्या छोटी क्या बड़ी आसानी से दिख रही है कैसे, तो देखिए बच्चों नंबर हमें क्या दिए हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी 7:3 नंबर दिया है, क्या नंबर दिया है 7:3, और टोटल कितना दिया है, इसका टोटल कितना दिया है बच्चों, तो हम कहेंगे टोटल दिया है 630। अब हमें कौन सा नंबर निकालना है, छोटा नंबर, कौन सा नंबर निकालना है, छोटा नंबर निकालना है, छोटी संख्या निकालना है बच्चों। अब इन दोनों में नंबर में देख लीजिए रेशो में कि छोटी कौन सी है, दोनों में देखिए छोटी कौन सी है, तो ये 3, तो अब हम लिखेंगे 630 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 वाले की वैल्यू निकालना है तो 3 वाला ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे इन दोनों का योग, नीचे हमेशा रेशो का योग लिखा जाता है, तो 7 और 3 कितना 10, छोटी संख्या कौन सी है 3 है तो 3 को ऊपर लिखें, बड़ी संख्या निकालने कहा होता तो 7 बड़ी थी 7 को ऊपर लिख देते, ये कैंसिल हो गया 0 से 0, क्या बचा 63 × 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ गया, क्या आंसर आया देखेंगे 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18 189 करेक्ट आंसर, देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, तो चलिए इसका आंसर भी फटाफट कीजिए। क्वेश्चन में दिया है 2:3, 5:6 और 8:9 का मिश्रित अनुपात क्या होगा, मिक्स रेशो क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं इसे भी कैसा होता है। तो यहां पर दिया है 2:3, एक के नीचे एक सारे लिखते जाएंगे, फिर दिया है 5:6 ये दिख रहा है, फिर दिया है 8:9, अब पूछा है कि इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा, मिक्स रेशो क्या होगा, तो मिक्स रेशो होता क्या है सर, तो मिक्स रेशो कुछ नहीं बेटा,
लेफ्ट लेफ्ट वाले सारे नंबर का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, राइट राइट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, आ गया मिक्स रेशियो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो देखिए 2 5 10 और 10 8 80, तो यहां पर लिखे हमने 80, रेशो का साइन ये अनुपात का चिन्ह। अब देखिए 3 6 18 और 18 का टेबल 9 टाइम लेंगे तो 162, तो ये आ गया आपका मिश्रित फ्रैक्शन या फिर हम कह सकते हैं मिक्स रेशो। तो बताइए किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो इसे क्या अभी और छोटा कर सकते हैं क्या? तो चलिए नंबर्स को पहले छोटा कर लेते हैं, इसमें हमें इतना बड़ा नहीं दिया है, तो यहां पर थोड़ा सा करते हैं छोटा। यहां पर देखिए अब इस नंबर को छोटा करना है तो हमें डिवाइड करना होगा, किससे डिवाइड करें बच्चों? तो आप कहेंगे कि शायद ये 2 से कर दीजिए, 2 से करते हैं तो 2 4 जा 8 2 0 जा 0, मतलब 0 तो टेबल में आता नहीं, 2 8 जा 16 2 1 जा 2। अब ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो आप कहेंगे 40:81 ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है सर जी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है बच्चों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर वीडियो थोड़ा तेज लग रहा हो तो स्पीड कम करके देख लेना, कम समय में आपको ज्यादा ज्ञान बांट सकूं इसलिए मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाता हूं। समझ में आ गया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यहां क्या पूछा है देखिए, 5:25 समानुपात का चिन्ह है 15:x का मान निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या दिया देखो, 5:25 मतलब 5:25 समानुपात का चिन्ह बच्चों और 15:x। अब करना क्या होता है, बिल्कुल सरल सा चीज, अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई बराबर बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई। आ गया आंसर। अब कैसे आ गया आंसर आपने बोल दिया सर? तो देखिए इस नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5:x हमने लिख लिया, बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई, बराबर का चिन्ह उधर देखिए, अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई मतलब 25:15। अब x की वैल्यू निकालना है बच्चों, तो x जो मल्टीप्लाई में क्या है 5 है, तो जब मल्टीप्लाई में इसे बराबर की दूसरी ओर भेजेंगे तो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो यहां क्या आएगा, कौन से नंबर आए? तो देखिए यहां आ गया 25:15 पहले ऑलरेडी था, अब यह 5 मल्टीप्लाई यहां गया डिवाइड में, तो 5 5 5 5 3 15, तो x की वैल्यू क्या निकली, तो 25 3 कितना होता है बच्चों, 75। तो करेक्ट आंसर देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जी 75 हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया अच्छे से, सब कुछ क्लियर हो रहा है? मन में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल प्यारी सी एक कमेंट छोड़ना कि सर मुझे ये डाउट है, डाउट क्लियर कर दीजिए, मैं तुरंत कोशिश करूंगा कि आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है बच्चों? और नहीं तो नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो उसमें आपका वो डाउट बिल्कुल मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही क्लियर करा दूंगा। तो जिन भी बच्चों का डाउट हो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डाउट क्लास में दिया गया है। तो यदि आप लोग हमारी डाउट क्लास नहीं देख रहे हैं, जो कि बच्चे हमें क्वेश्चन डाउट वाले सेंड करते हैं और हम उसका सॉल्यूशन कराते हैं, तो उन क्लासेस को भी जरूर देखें। तो वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ यदि आप लोगों को इन दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन, जो कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है, एक है अरिहंत प्रकाशन की क्लास 6 की 2023 का न्यू एडिशन, साथ ही दूसरी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की क्लास 6 का 2023 का न्यू एडिशन। दोनों बुक का फुल सॉल्यूशन हम आपको करा चुके हैं, दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाने के लिए आप लोगों को वीडियो के नीचे जो हमारे चैनल का नाम दिख रहा होगा नवोदय ट्रिक्स गुरुजी, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नाम पर क्लिक करेंगे तो चैनल के पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप लोगों को होम पेज पर होम, वीडियो और प्लेलिस्ट तीन ऑप्शन टॉप में देखने को मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए तो हमारी सारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, वहां से आप सारे वीडियोस आसानी से देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे और नवोदय में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके दिमाग में एक बात छप जाना चाहिए कि आपको 100 out of 100 मार्क्स लाना है नवोदय ट्रिक्स गुरुजी के साथ जुड़कर। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में, और फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।